किसान साथियों, हमारा जो पॉपुलर का खेत है इसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम होती है और हम लगातार डीएपी और यूरिया का ही यूज करते हैं। आपको पता है गेहूं की बिजाई पूरे जोरों शोरों पर चल रही है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। और किसान साथियों, आज मैं आपके लिए गेहूं की बिजाई से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा गेहूं की बिजाई पॉपुलर में कम और इसकी कितनी मात्रा और इसके बेसल डोज में हमें क्या क्या लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गेहूं की बिजाई पॉपुलर में कब करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप पॉपुलर में गेहूं की बिजाई करना चाहते हो तो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर इसका सही टाइम है। दूसरा, इसकी हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप पॉपुलर में गेहूं का बीज बोना चाहते हो तो आपको जो आप आम बीज लेते हो, आम बीज आप 40 केजी का 25% अधिक। किसान साथियों, अगर आप 40 केजी का 25% अधिक लेते हो तो आप 50 केजी। अगर आपको पॉपुलर में गेहूं की बिजाई करनी है तो आपको 50 केजी बीज लेना पड़ेगा। 50 केजी गेहूं लेने का रीजन क्या है किसान साथियों? इसमें क्या होता है, इसमें एक तो थोड़ी छाया होती है इस टाइम, और दूसरा इसका जो पत्ता गिरता है उससे जो गेहूं का जर्मिनेशन होता है वह थोड़ा कम होता है। तो हमें 40 केजी ना लेकर इसका बीज को 50 केजी लेना पड़ेगा। अगर आप 50 केजी बीज लेते हो तो उसकी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। किसान साथियों, तीसरा आता है इसका बेसल डोज। बेसल डोज में हम इसको तीन प्रकार से दे सकते हैं। किसान साथियों, आपको इसमें एक फसल नहीं, ये इसमें दो फसलें हैं, गेहूं के साथ साथ पॉपुलर। आपको इसमें बेसल डोज बहुत ही अच्छा देना पड़ेगा। पहला जो बेसल डोज है वह डीएपी प्लस यूरिया प्लस पोटास। आपको 50 केजी डीएपी, डीएपी में आपको 18% नाइट्रोजन प्लस 46% फास्फोरस, जो कि इसकी जड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा आपको इसमें पोटास, पोटास आपको 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना पड़ेगा। तीसरा आपको 10 से 15 केजी यूरिया, क्योंकि 10 से 15 केजी यूरिया हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ परसेंटेज यूरिया की डीएपी में भी आपको मिल जाएगी। तीसरा आपको इसमें क्या लेना है, सल्फर। सल्फर आप कम से कम 10 केजी। किसान साथियों, हमारा जो पॉपुलर का खेत है इसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम होती है और हम लगातार डीएपी और यूरिया का ही यूज करते हैं, इसलिए आपको सल्फर जरूर लेना पड़ेगा। यह एक फंगिसाइड भी है और यह एक ग्रोथ प्रमोटर भी है। दूसरा जो बेसल डोज है कि आप अपनी गेहूं की पैदावार अच्छी कर सकते हो और इसमें आपकी जो पॉपुलर की ग्रोथ है वह भी अच्छी रहेगी। किसान साथियों, आपको इसमें एसएसपी 120 केजी प्लस आपको यूरिया इसमें 25 केजी। आपको इसमें यूरिया आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि एसएसपी में आपको फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर मिलेगा, इसमें आपको यूरिया नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 25 से 30 केजी आपको इसमें यूरिया लेना पड़ेगा प्लस इसमें 20 से 25 किलो पोटास। यह एक दूसरा बेसल डोज है और इससे आपकी गेहूं की प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें आपको सल्फर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एसएसपी में अपने आप में ही सल्फर है। तीसरा जो बेसल डोज है वह किसान साथियों एनपीके, जो हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। 12, 32, 16 एनपीके आपको कम से कम 70 से 80 किलो लेना पड़ेगा और प्लस में 25 किलो यूरिया। यह एक तीसरा बेसल डोज है जो जिससे कि आपकी गेहूं की प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको ये तीन बेसल डोज बताए हैं, इनके द्वारा आप अपनी गेहूं की प्रोडक्शन भी अच्छी ले सकते हो और अपनी जो पॉपुलर की ग्रोथ है वह भी अच्छी रख सकते हो। किसान साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि और किसान भी इसका फायदा उठा सके, और मेरे यूट्यूब चैनल एसपीएन एग्रोटेक को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद किसान साथियों।